व नवाबों की नगरी फैजाबाद में भी सकुशल ईद की नमाज संपन्न हुई। जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच ईद की नमाज को सकुशल संपन्न करवाया। हालांकि शहर के सिविल लाइन ईदगाह में जगह कम होने के कारण ईदगाह के बाहर मुख्य सड़क पर सैकड़ों मुस्लिमों ने ईद की नमाज अदा की। सिविल लाइन ईदगाह में टाटा शाह मस्जिद के पेश इमाम मौलाना शमसुल कादरी ने ईद की नमाज पढ़ाई। डीएम नीतीश कुमार व एसएसपी शैलेश पांडे ने ईद परशुराम जयंती व अक्षय तृतीया की जनपदवासियों को बधाई दी। जनपद में 156 ईदगाह व 153 मस्जिदों में ईद की नमाज संपन्न हुई। ईदगाह स्थल पर पहुंचकर सपा नेता व पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे, बसपा नेता पवन कुमार व कांग्रेस नेता उग्रसेन मिश्र ने भी सभी रोजेदारों को ईद की बधाई दी। वहीं गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भाजपा नेताओं ने ईदगाह जाने से परहेज किया। आज ईद सईद का मुबारक दिन है और हमने शहर फैज़ाबाद अयोध्या के मुसलमानों ने और पूरे मुल्क के मुसलमानों ने बल्कि आलम इस्लाम ने ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ किया। ऐ परवरदिगार आलम, ज़मीन का तो खालिक व मालिक है, इस ज़मीन पर अपने बंदों को अमन व सुकून अता फरमा, चैन अता फरमा, सलामती अता फरमा। हमारा वतन हिंदुस्तान जो हमेशा से एक जमहूरी निज़ाम रखता है, हमेशा एक अमन व शांति के एतबार से जमहूरी निज़ाम रखता है और यहाँ पर मुख्तलिफ रंग व नसल के लोग रहते बसते हैं, सबके लिए चैन व सुकून, इज़्ज़त व आज़मत का सामान पैदा फरमा, हमने दुआ किया है। और हमारे शहर फैज़ाबाद अयोध्या के सारे मुसलमानों ने यही दुआ किया है, हमारा शहर, हमारा मुल्क, हमारा वतन सलामत रहे, आबाद रहे, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब कायम दायम रहे और मुल्क हमारा फलता फूलता रहे। क्या इंतजाम किए गए? सर्वप्रथम आप सबके माध्यम से मैं पूरे जनपदवासियों को तीन आज धार्मिक आयोजन है, त्यौहार है, ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती, इनकी सभी को मैं ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। गंगा जमनी तहजीब का एक बेहतर उदाहरण देते हुए अयोध्या वासी तीनों त्योहारों को मना रहे हैं। पुख्ता पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था के बीच में इन त्योहारों को सकुशल संपन्न कराया जा रहा है। कई जगह पर ईद की नमाज हो गई है और 11 बजे तक लगभग सभी जगह ये नमाज पूरी कर ली जाएगी। उसके अलावा जैसे मैंने बताया, अक्षय तृतीया का त्यौहार है, काफ़ी संख्या में लोग इसमें खरीदारी करते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था बाज़ारों में, खास करके महिला सुरक्षा को देखते हुए स्पेशल डिप्लॉयमेंट, हमारी महिला पुलिसकर्मियों की भी व्यापक डिप्लॉयमेंट की गई। तो सभी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए एक व्यापक सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ जन सहयोग के माध्यम से लोगों का सहयोग लेके इन त्योहारों को हम लोग सकुशल संपन्न करा रहे हैं। नहीं, वो कर चुके हैं, कर चुके हैं। ये क्या चाहेंगे और कितनी मस्जिदों पर आज नमाज पढ़ाएंगे? सबसे महत्वपूर्ण जनपदवासियों को ईद की मुबारकबाद। आज अक्षय तृतीया भी है, परशुराम जयंती है, उसके भी सबको शुभकामनाएं जनपदवासियों को। और एक सांप्रदायिक सौहार्द का जो वातावरण है हमारे यहाँ जनपद में, बहुत बेहतर तरीके से सभी लोगों ने ईद की नमाज अदा की है और सभी जगह भी कई जगह चल भी रहे हैं। और सौहार्द और गमना गंगा जमनी संस्कृति है वो एक विशाल पेश किया है अयोध्या जनपद ने। और ऐसे ही लोगों को शुभकामनाएं हमारी तरफ से, पूरे प्रशासन की तरफ से, और हमारे पुलिस और प्रशासन की टीम, मजिस्ट्रेट की टीम सभी क्षेत्रों में गतिमान है और व्यवस्था को संवाद कायम करके संचालित किए हुए हैं।